हेलो एवरीवन, आज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ ऐसा ना हो कि ये पल जो जिस एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी की भी जिंदगी में आए, लेकिन तब भी एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बात करते हैं, आप सुबह उठती हैं और जैसे हम सुबह उठते हैं हम एकदम से फोन हाथ में पकड़ लेते हैं। जैसे ही फोन हाथ में पकड़ा और इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं भी सोशल मीडिया आपने ओपन किया, आप क्या देखते हैं? एक पिक्चर, और वो पिक्चर है आपकी, और वो पिक्चर ऐसी है कि आप नहीं चाहती कि वो किसी को भी, किसी की भी नजरों में वैसी पिक्चर आए। वो आपकी बहुत ही पर्सनल पिक्चर है, लेकिन आज वो पिक्चर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको दिख रही है, अलग अलग पेजेस पर आपको दिख रही है। वो आपके न्यूड्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी हालत में हर एक इंसान जो है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो बहुत ही ज्यादा घबराएगा। हर वो एकदम से हर चीज डिलीट करने के लिए लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में थॉट्स होंगे, और ये थॉट्स जो है एंड में लीड कर जाते हैं सुसाइड तक को। तो ये जो सिचुएशन है, देखिए ये सिचुएशन बहुत ही रेयर हो सकती है, और लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये सिचुएशन, वो लोग गुजरे हैं, उनको पता होता है कि ये सिचुएशन किस तरह से वो लोग हैंडल करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी सिचुएशन किसी की भी जिंदगी में आ जाती है तो उस समय आखिरकार उस समय क्या करना है, किन चीजों के साथ डील करना है, कौन से लॉ जो हैं वो आपकी मदद करते हैं, अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो कहाँ पर जाना है। ये सब सिचुएशंस जो हैं वो हम आज के सेशन में देखेंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को डील किया जा सकता है एक बहुत ही काम तरीके से। तो गाइज, आज का सेशन देखिएगा, बिल्कुल जरूर देखिएगा, बिकॉज ये सेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल एक डेडिकेटेड चैनल है आपके लिए, जो आपको जुडिशरी जो है उसके पथ पर लेकर जाता है, जज जो है आपको वो बनाकर ही रहता है, ठीक है। और इसमें हम जो है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पे आपको अलग अलग एग्जाम्स के बारे में भी बताते हैं, जो हमारे लॉ से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप एग्जाम दे सकते हैं, क्लैट के बारे में पूरी की पूरी आपको नॉलेज पता चलती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टडी आईक्यू जुडिशरी जो है चैनल है, उसके आपको अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे। हर एक जो वीडियो है उसकी आपको पीडीएफ फाइल कहाँ मिल जाएगी, उसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, राइट। अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, और आज का सेशन है कि अगर सिचुएशन आती है कि पर्सनल फोटोज किसी की भी, किसी महिला की अगर लीक हो जाती हैं तो उसकी सिचुएशन में कैसे डील करना है। सबसे पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, हाउ दीज थिंग्स हैव लीक्ड, किस तरह से ये जो पिक्चर्स हैं वो लीक हो गई। इसके बहुत अलग अलग जो हैं वो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत बहुत अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं। जैसे अगर आपके ही फोन में ऐसी जो स्टोरेज है या जो फोटोज हैं वो आपके फोन में हो, और ये जो फोटोज हैं वो साइबर क्राइम के जरिए ये लीक हो जाए, ठीक है, या फिर तो आपने ऐसी फोटोज किसी के साथ शेयर की हो और उस पर्सन ने ये जो फोटोज आपने शेयर की हैं वो क्या कर दे, वो लीक कर दे, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपकी फोटोज लीक हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गए, ये हो गए। आपको एक एग्जांपल भी मैं बता दूं, एक लेडी थी, उनका जो फोन है वो गिर गया था, ठीक है। तो किसी स्ट्रेंजर ने उनका फोन उठाया और उनके फोन में उनकी पर्सनल पिक्चर्स थी, जो प्राइवेट पिक्चर्स थी। उस स्ट्रेंजर ने क्या किया, वो जो प्राइवेट पिक्चर्स थी उनको अपने पास में रख लिया और वो फोन फिर बाद में उनको वापस कर दिया, जो लेडी। अब जब उन्होंने ये पर्सनल पिक्चर्स ली वो स्ट्रेंजर ने, तो इस पिक्चर्स को उन्होंने सारी जगह सोशल मीडिया पर उन्होंने डाल दिया, लीक कर दिया। इस तरह से उनकी पिक्चर्स लीक हो गई और वो जो वुमेन थी उन्होंने एंड में क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो ऐसे जो केसेस हैं बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये सिचुएशन सोच के ही जो है गूज बम्प्स भी आ सकते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि ये जो सिचुएशन है वो आखिरकार आई कैसे। लेकिन हर एक चीज को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये फॉल्ट आपका नहीं है। अगर मान लीजिए आपके फोन से आपके जो डाटा है वही किसी ने चुरा लिया, तब तो वैसे ही नहीं, तब तो उसमें तो वैसे भी आपका फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने फोटोज शेयर की हैं अपने ट्रस्ट वर्दी इंसान को, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ आपने ये फोटो शेयर की हैं, तब भी आपका कोई फॉल्ट नहीं। ये फॉल्ट है उस इंसान का जिसने ये फोटोज शेयर की हैं, आपका कोई फॉल्ट नहीं बनता। आपने तो एक ट्रस्ट के जरिए, आपने एक प्यार के जरिए वो फोटोज शेयर की थी, तो
ये सबसे पहले आपके दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि उनका फॉल्ट है। बहुत ज्यादा थॉट्स ऐसे आएंगे कि मेरी ही गलती है, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसी पिक्चर्स खींचनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसी पिक्चर्स शेयर करने ही नहीं चाहिए थी। बहुत ऐसे थॉट्स आएंगे, लेकिन तब भी ये फॉल्ट जो है वो आपका नहीं है, सबसे पहले तो दिमाग में ये डालना पड़ेगा। फिर अगर बात करें कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो प्लीज, ऐसा कुछ हो जाता है, टॉक अबाउट इट विद समवन हु कैन हेल्प। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत चुनिंदा ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होते हैं। अगर मैं भी अगर गिनाना चाहूं तो मुझसे भी कोई ऐसा नहीं होगा कि 15 इंसानों को मैं ऐसे गिन लूंगी कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं अपनी इस तरह की बात भी शेयर कर पाऊंगी। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। एक या दो होगा, चाहे एक भी होगा, आप प्लीज उनसे बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। ठीक है, देखिए पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पक्का ऐसा नहीं होगा कि वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे, आपको मारेंगे नहीं, थप्पड़ नहीं मारेंगे, ये सब नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन दुनिया से वो आपको बचाएंगे। अगर पेरेंट्स आप मान सोचते हैं कि पेरेंट्स से ये बात आप नहीं शेयर कर सकते, कोई भी इंसान जो आपकी जिंदगी में है जिनसे आप ये शेयर कर सकते हैं, प्लीज उनसे करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं करते, किसी पर भी हम ट्रस्ट नहीं करते, तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े से दिमाग से काम लेना है। ऐसा नहीं है हपड़ा दबड़ी में एकदम से जल्दी जल्दी में आपने क्या किया, अपनी चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वही डिलीट कर दी। डू नॉट डिलीट द एविडेंस, प्लीज ये बात ध्यान में रखनी है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने अलग अलग पेजेस में अपनी ये पिक्चर्स देखी, आप उनको स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि ये तो डिलीट करना है, ये तो डिलीट करना है, ये पेज को अनफॉलो करो, ये सब करो, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनका स्क्रीनशॉट लेना है। और बाय चांस अगर किसी कोई पर्सन जिसने ये शेयर की है वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कोई और चीज करने के लिए, पैसे देने के लिए, ये सब काम करते हैं, तब तो आपको ये स्क्रीनशॉट, ऐसी चैट्स आपको लेनी है। आप वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, अगर हर चीज आपको रिकॉर्ड करनी, ताकि ये एविडेंस में आपके काम आए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपको हर चीज डिलीट करनी है कि ये जिंदगी से मेरे चले ही जाए चीज, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चीज अगर जिंदगी में हुई है तो वो रहेगी, इम्पैक्ट रहेगा उसका, तो हमें उसको किस तरह से क्लियर करना है वो हमारी जिम्मेवारी है। और सबसे जरूरी बात कि कंप्लेंट तो फाइल करनी ही करनी है। ऐसा नहीं होगा कि इस कमरे में बैठ के रोती रहेंगी और कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, ये नहीं करना है, कंप्लेंट फाइल करनी है। और कहाँ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, साइबर सेल्स में जा सकते हैं। बिकॉज देखिए, ये सोशल मीडिया पर ऐसी चीज हो जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए, देखिए ये जो चीज है वो शेयर हुई है, तो यहाँ पर साइबर सेल्स में आप जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। द क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैज टू डील विद सच क्राइम्स। ठीक है, इफ देयर इज नो साइबर सेल, अगर आपके एरिया में कोई साइबर सेल नहीं है बाई चांस, तो आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं अपने लोकल, और वहां पर FIR फाइल करवा सकती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि साइबर सेल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं कि साइबर सेल में जाओ, साइबर सेल वाले बोलते हैं पुलिस स्टेशन के पास जाओ, ऐसा नहीं है। आपको सीधे सबसे पहले तो साइबर सेल के पास ही जाना है, बिकॉज ये चीज आप ऐसे जो क्राइम होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो साइबर सेल के पास जाता है। ठीक है, अगर वहां वो नहीं है आपके लोकेशन में, तो आप पुलिस स्टेशन के पास जाएंगे। अब देखिए, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार होता है ऐसा कि पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं तो जो पुलिस है वो आपको लाइटली ले लेती है, या फिर बार बार आपको भेजती है कि साइबर सेल में जाओ, और साइबर सेल आपके एरिया में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसी चीज के लिए बनी है कि अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन रोल इज टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन हेरासमेंट टू डील विद द पुलिस। पुलिस के साथ आप डील करिए, किस तरह से डील करना, पुलिस के पास वो लेकर जाते हैं आपको, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास इवन पावर होती है कि वो खुद भी इंक्वायरी करती है, समन भेजती है विटनेस को, उनकी इंक्वायरी करती है, हर चीज ये करती है। तो ऐसा मत घबराइएगा कि अगर आपके पास अगर साइबर सेल नहीं है, पुलिस मदद नहीं कर रही, तो बस काम खत्म, कुछ और नहीं हो सकता। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद में ये भी करेंगे, और उसके बाद में जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। जैसे आप अलग अलग आप जो है जो इंस्टाग्राम है, गूगल है, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, और उनको बोल सकते हैं कि इन चीजों को ब्लॉक कीजिए। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के पास क्या ऑप्शन होता है, रिपोर्ट का। आपने देखा होगा कि रिपोर्ट का ऑप्शन हमेशा होता है, रिपोर्ट कीजिए उस चीज को। और ये गाइडलाइंस है, आईटी रूल्स है, आईटी रूल्स कहते हैं कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट चीज आती है तो उनको 36 आवर्स में एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्शन वो लेंगे इस तरह से, ये सब आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, लॉज जो प्रोटेक्ट करते हैं विक्टिम को, जिन जो भी ये चीज सफर कर रही है उनके साथ लॉ है।
ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं खड़ा हुआ। लॉ मेकर्स को पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ रहे हैं, और क्राइम कितने संगीन होते जा रहे हैं लॉ मेकर्स को पता है, तो वो आपके साथ हैं। अब हमारे जो हम बात करें कौन से लॉज आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईपीसी, इंडियन पीनल एक्ट के अंदर जो है सेक्शंस दिए गए हैं जो इस बारे में बात करते हैं। अब बात करें अगर आईपीसी के बारे में, तो सेक्शन 354C क्या बात करता है, ये बात करता है, ये आया है सेक्शन अमेंड हुआ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद, और ये बात करता है कि कोई भी महिला अगर अपनी प्राइवेट स्पेस में है, मान लीजिए वॉशरूम में है, कपड़े चेंज कर रही है, इस तरह के कोई प्राइवेट स्पेस में है, और कोई मैन कोई आदमी उनकी फोटो खींच लेता है या फिर वो फोटो शेयर करता है, तो ये क्या है, ये ऑफेंस है और उस आदमी को सजा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल की सजा होगी 1 ईयर से लेके 1 साल से कम तो हो ही नहीं सकता, और 1 साल से जो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक, और वो पर्सन लायबल है, शेल लिखा है कि भाई देना ही पड़ेगा, एंड शेल बी लायबल फॉर फाइन। ये हो गई हमारा सेक्शन 354C बात करता है। फिर हमारा सेक्शन 500 बात करता है डेफोमेशन की पनिशमेंट के बारे में, और डेफोमेशन की पनिशमेंट क्या है, 2 साल और फाइन। सेक्शन 504 बात करता है कि कोई भी इंसान इंटेंशनल इंसल्ट करता है, प्रोवोक करता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, कोई ट्रस्ट है, आपने किसी इंसान में ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट को तोड़ता है, ब्रीच करता है, इंटेंशनली इंसल्ट करता है इस चीज को लेकर, तो क्या होगा, तो ये एक्सटेंड होगी इंप्रिजनमेंट 2 ईयर्स, और पनिशमेंट और क्या होगा, फाइन होगा, या फिर दोनों चीजें होंगी। 506 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होती है, इसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होती है कि देखिए ऐसी चीज कोई हुई है, ठीक है, कोई पर्सन आपको थ्रेट कर रहा है कि वो क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को या फिर आपको या फिर आपकी रेपुटेशन को खराब कर देगा, खत्म कर देगा, या फिर आपकी किसी नोन की रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को उनको खत्म कर देगा, ऐसा थ्रेट आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन में, तो इसकी पनिशमेंट यहाँ पर। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ठीक है, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो लॉ भी ये समझती है, बाकी जो दुनिया है वो कहती रहे, दुनिया बहुत कुछ कहती है, दुनिया बहुत ब्लेम करेगी, बहुत करेक्टर असैसिनेशन होगी, बहुत चीजें होंगी, लेकिन आपको पता है कि आप गलत हैं या फिर आप सही हैं, आपको पता है आप सही हैं, आपने कुछ गलती नहीं की है, आपके पास ऑप्शंस हैं, लॉ आपको ऑप्शन देती है कि जिसने ये आपके साथ गलत किया है उसको सजा मिलेगी, ना कि आपको, जो सोसाइटी देती रहती है, ठीक। अब बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी सेक्शंस दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 67 वो बात करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कोई भी ऑब्सीन मटेरियल है, कोई भी पर्सन ऐसे ऑब्सीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो पनिशमेंट होगी जो 3 साल तक जा सकती है, 5 लाख रुपए तक का फाइन है। तो बेटा जी ऐसी बात नहीं है, जो चीजें ऐसी जो कोई भी इंसान ऐसा करेगा तो उनके ऊपर फाइन भी है, और अगर सब्सिक्वेंट फिर से वो एक्ट करते हैं तो कन्विक्शन चली जाएगी, 5 साल तक की जो होगी सजा होगी, और जो है फाइन जो होगा वो 5 लाख से 10 लाख, ठीक है, पहले 5 लाख था अब 10 लाख पहुंच गया। सेक्शन 67A बात करता है कि कोई भी पर्सन क्या ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहां पर पनिशमेंट चली जाती है 5 ईयर्स, फाइन लगता है जो एक्सटेंड हो सकता है 10 लाख रुपए तक का, और ये इम्प्रिजनमेंट अगर फिर से कन्विक्शन हुई है, फिर से ही ऐसा ऑफेंस किया है उसी पर्सन ने, तो उसको ये सजा जो होगी एक्सटेंड हो जाएगी 7 ईयर्स तक की, और फाइन लग जाएगा 10 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो ऐसा होता है जो एक्यूज्ड होते हैं, जिन्होंने ये काम किए होते हैं, उनको ना ही सजा का पता होता है ना किसी चीज का पता नहीं होता उनको, बस उनको, उनके लिए तो गेम्स है, आज आपकी करेंगे, कल किसी और की करेंगे, कल परसों किसी और की करेंगे, ना सजा का पता कि हम कि जेल की जो चक्की पीसने की कितनी ज्यादा जो है वो उनको जरूरत है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, एक्यूज्ड को पता हो या ना पता हो वो उनका लेना देना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस जो है फैलाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद सेक्शन 67B की बात करें, जो प्रोवाइड है, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, ये बात करता है कि अगर चिल्ड्रन को किसी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व किया गया है और उनकी जो इस तरह की वीडियो है वो पब्लिश की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 67B। और सेक्शन 66E बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी।
दिस सेक्शन फॉरबिड्स कैप्चरिंग ट्रांसमिटिंग पब्लिशिंग द इमेज ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट व्हेन ही शी डिडंट एक्सपेक्ट एनीवन वुड कैप्चर देयर इमेज. ठीक है, तो इस तरीके से किसी ने, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, किसी ने उनकी पिक्चर खींची होगी और ऐसी पिक्चर किसी ने क्या कर दिया, शेयर कर दी है, ट्रांसमिट कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो ये तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी आ गया. तो सेक्शन 66E इस बारे में बात करता है. तो ये जो थे हमारे अलग अलग लॉ थे, जैसे आईपीसी और इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो रिलेट करते हैं, जो लॉ है जो बात करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ये अलग अलग जो सेक्शंस हैं वो लग सकते हैं जो एक्यूज्ड हैं, और इस तरह से उनको सजा मिल सकती है. तो ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप फॉल्ट पे. मैं बार बार ऐसा कह रही हूँ बिकॉज ऐसा आ जाता है दिमाग में, ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमन टेंडेंसी है. जो दुनिया है, जो सोसाइटी है, ऐसी सिचुएशन पे किसको ब्लेम करती है, लड़की को ही ब्लेम करती है कि तुमने ही गलत किया, तुमको इवन फोन ही नहीं देना चाहिए था, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए तुमको बाहर, तब ऐसा होता है. ये सब चीजें जो है, एक एक चीज जो है वो आने लग जाएगी और करेक्टर पे बात आ जाएगी. और इंसान जो है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब इतना कुछ सुनता है तो बहुत ही ज्यादा लोग जो है वो सुसाइड सोचते हैं करने का, और कई लोग तो कर भी लेते हैं. देखिए, ये जान है हमारी, ये बहुत ही प्यारी, भगवान ने ये जान दी हुई है, जिंदगी दी हुई है, इसको इन चीजों पर हमको खत्म नहीं करना है. ठीक है, और इवन हमारी गलती भी नहीं है इसमें, जिसकी गलती है उसको ये चीज करनी चाहिए, बल्कि ना हमें करनी चाहिए. राइट, तो ये सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा कि जो इंसान पहले से ही, जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ है, वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में, एक तरीके से बहुत ही घबराया हुआ इंसान है. ठीक है, तो उसके साथ अच्छे से पेश आए, सपोर्ट करें उनको, और ये अलग अलग जो अवेयरनेस है, इस तरह की अवेयरनेस फैलाएं. ठीक है, तो दिस वीडियो, आज का वीडियो जो है हम खत्म करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको जो लॉज हैं वो आपको पर्टिकुलर पता लगे होंगे. आप ये वीडियो जितना हो सके उतना आप अवेयरनेस फैला सकते हैं. हमारे स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और भी वीडियोज इस चैनल पर आपको आती रहेंगी जो आपके लिए ही है. अलग अलग लॉज आपके लिए आते रहेंगे. मैं शिखापुरी आपके लिए ऐसे अलग अलग लॉज लाती रहूंगी, जिससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी. ठीक है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन, जैसे आज हमने एक एग्जांपल की बात की, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ हो जाती है तो अब आपको पता है कि क्या, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, और लॉ हमेशा आपके साथ. तो आज इसी के साथ अपना सेशन खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद.